वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो कैसे हो आप सब? अब हम लोगों ने ये जो लास्ट लेक्चर में किया था वो किया था बेटा अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करा था हमने इन प्लांट्स, इन ऑर्गेनिजम्स एंड इन ह्यूमन बींग्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो है नेक्स्ट प्रोसेस। अब हमने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद क्या कुछ अंदर रिएक्शंस होती हैं, कैसे एनर्जी मिलती है हमें, कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एनर्जी देता है ऑन द ब्रेकिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स विद द स्मॉल अदर प्रोडक्ट्स। और ये कैसे होता है? कई बार इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कई बार इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। जैसे हमें पता है कि लास्ट वीक एग्जाम्पल दी थी रिएक्शन, बोल लो रिएक्शन, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं। तो उसमें ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना आता है जिसमें हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, राइट। अब जब ये ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास पाइरूवेट की फॉर्म में होता है जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स बचते हैं। यहाँ पे ये इरेज हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के जो ब्रेक डाउन होके हमें मिलता है। ये सारा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, राइट। अब हमारे पास 3 सब पार्ट्स हैं इसके, कि जब ग्लूकोज हमारे पास ब्रेक हो रहा है फ्रॉम द 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये या तो होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये होता है इन यीस्ट, जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में मिलती है हमें एनर्जी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमें पता है अगर बनेगी तो हमें तो रिक्वायरिंग नहीं है, तो क्या करते हैं रिलीज आउट हम लोग कर देते हैं, या फिर एनिमल्स में भी क्या होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ जाती है, राइट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारे जो वेरियस हमारे अंदर सेल्स हैं वो अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इनकी हेल्प से। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो कार्बन है 3 मॉलिक्यूल में टूटा है या 2 मॉलिक्यूल में टूटा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन कह लो या एनारोबिक प्रोसेस कह लो, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती प्रेजेंट, राइट। अब दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन फुली रिक्वायर्ड होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है जिसमें ये पाइरूवेट्री कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो हमें क्या क्या देते हैं, मेनली हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देते हैं, 3, राइट। और इसके साथ हमारे पास अदर प्रोडक्ट्स लाइक वाटर एंड एनर्जी हमें मिलते हैं, जिसमें वही बात कि वाटर भी आपकी बॉडी के लिए सेल को अपने फंक्शंस करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी का काम जो है वो मैं बाद में नीचे जो दिख रहा है आपको उसमें समझाऊंगी। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज आउट कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है जो सारे का सारा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है ये सारा प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एक है एनारोबिक, एक है एरोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक प्रोसेस जिसमें हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सारी रिएक्शंस होंगी और हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब अगर हमारे पास मान लो कि ऑक्सीजन की कभी कभार कमी हो गई है, लाइक जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो अब जो प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहे थे यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, वो कैसे होगी अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है या उसकी थोड़ी कमी हो गई है? सो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो एकदम से सडनली होता है, लाइक जैसे क्रैम्प्स की अगर बात करें तो वो जो लैक्टिक एसिड वहां पे प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है और साथ में एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। तो हमने 3 प्रोसेस पढ़े हैं, एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लास्ट वन इज इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मसल सेल्स में होता है, वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन का चलता है, जिसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसमें मेन जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, और साथ में छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके साथ में हमें मिलती है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी आपको दिख रही है ना, ये एनर्जी फटाफट
से मिलके ना एक मॉलिक्यूल एटीपी जिसको बोलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल बना देती है। होता बेसिकली एटीपी क्या है, एनर्जी से जो ड्राइव है एनर्जी मॉलिक्यूल ही इसको बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म है ए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन टी ट्राई एंड पी सॉरी पी फॉस्फेट राइट। तो फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हमारे पास एटीपी की फुल फॉर्म है जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल ही होता है। और ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल है बेटा ये कॉम्बिनेशन होता है एटीपी का और फॉस्फेट का, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और यहाँ पे एटीपी मतलब ट्राई की जगह यहाँ पे डाई आ जाएगा राइट। तो अब हमारे पास जो एनर्जी रिलीज ये सारी हुई थी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस वो यूज होती है एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के चक्कर में, और एटीपी बनता है हमारा एटीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उन दोनों को मिला के। अब ये जो एटीपी है ना ये बनना बहुत जरूरी है मॉलिक्यूल एनर्जी मॉलिक्यूल, क्योंकि बाकी के जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो जितना भी फंक्शंस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं अलग अलग अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। वो जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल से। दैट मीन्स कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एटीपी यूज बाय द एंडोथर्मिक प्रोसेस टू ड्राइव द रिएक्शंस, कि जितनी भी रिएक्शंस आपकी होंगी फर्दर वो सारी की सारी जो होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो एटीपी की हेल्प के साथ ही होती हैं। अब दूसरा कि इट इज यूज इन द सेल्स फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कि मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो रहा है एनर्जी मॉलिक्यूल। प्रोटीन सिंथेसाइज़ मतलब कि जो प्रोटीन्स बनते हैं उनके लिए भी हमारे पास एटीपी की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि कैसे हमारे पास मैसेजेस जो है फट से हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। लाइक आपको पता है कि सामने गरम चाय पड़ी है, अगर उसमें हाथ हाथ डाला तो उसे कहीं पता चल गया ये गर्म है, आपको नहीं पता था बट आपने हाथ डाला या हाथ लगाया गर्म पानी को तो आपको पता चल गया ये गर्म था उसी टाइम, तो रिस्पॉन्स एकदम से क्विकली होता है। तो वो उस प्रोसेस को कम्प्लीट होने के लिए भी ये एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है या कह लो जरूरत होती है। और भी ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में होती रहती है या एनिमल्स की बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जो होती रहती हैं उनके लिए ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसे करके ये सारे रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी ह्यूमन बींग्स में भी एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स में सारा होता रहता है, सो दैट हमारी बॉडी या बाकी सबकी बॉडीज भी अच्छे से उनके सेल्स जो है स्पेसिफिक नेचर के वो स्पेसिफिक फंक्शंस जो अलग अलग करते हैं पूरी ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिलैक्सेशन के लिए न्यू सेल्स बनाने हैं तब उसके लिए, तो ये उसमें सब में हेल्प करता है राइट। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो प्लांट्स में मैंने आपको एक टॉपिक दिया था जिसमें फोटोसिंथेसिस की बात करी थी, और इसमें मैंने बताया था कि प्लांट्स जब गैसेज एक्सचेंज करती हैं तभी वो अपना खाना बना पाती हैं, और खाना बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ, उनको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो कि वो एयर से लेते हैं। कब कैसे लेते हैं, थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा आपके टाइनी पोर्स जो मैंने बताए थे बना के वहां पे कि वो लीफ के सर्फेस के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा की हेल्प के साथ जहाँ पे सर्फेस में क्या होती है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज होती है, जिसमें दो मैंने रिएक्शन बताई थी, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन सॉरी। अब लाइट रिएक्शन जो है ड्यूरिंग द डे होती है एंड द डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द नाइट होती है। डे टाइम में क्या होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज अप होती है बनती है ठीक है, ऑक्सीजन यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनती है। तो नाइट टाइम में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इनहेल कर लो या अंदर रहती है, बट क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस टाइम पे वो बाहर आउट होती है। तभी कहते हैं ना रात के टाइम पे ट्रीज के पास ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन सम प्लांट्स बहुत ज्यादा होती है जिसके रहते आपको वहां पे सांस की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वहां पे प्लांट्स में भी होता है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हेल्प करती है बाकी के जितने भी उसके सेल्स हैं उनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, सो दैट प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी जैसे एनिमल्स में भी वैरायटी होती है, टेरेस्ट्रियल हो गए एक्वाटिक हो गए राइट, तो उनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं कि कैसे वो ऑक्सीजन अंदर लेके जा सकते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तभी रिएक्शन होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड हो गया फूड पार्टिकल्स जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं बॉडी में
वो यूज करेंगे और यूज करके अपने बाकी के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे हम बात करें अगर फिश की, तो फिश जो है जैसे कि हमें पता है एक्वाटिक है, पानी में रहती है, तो पानी में क्या है हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है, प्रॉपर फॉर्म में उनको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनको स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन वो उठानी होती है, थोड़े टाइम के लिए मिलती है, फिर उनको छोड़नी पड़ती है, फिर लेते हैं ऐसे ऐसे, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद उनको ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ती है फ्रॉम द डिजॉल्व वाटर में से, जो डिजॉल्व सारी गैसेस उनमें से लेनी पड़ती है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है और वो अपने गिल्स के थ्रू ये सारा प्रोसेस करती हैं, राइट। और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अलग अलग बाकी एनिमल्स की या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जगह बात करें, तो उनके भी अलग अलग हमारे पास बॉडी ऑर्गन्स, मतलब बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और फिर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, राइट। जिसकी हेल्प से सारी की सारी फंक्शनिंग जो है सेल्स की वो प्रॉपरली होती रहती है, क्योंकि अगर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो हमें एनर्जी मॉलिक्यूल भी नहीं मिलेगा, ना ही जो ग्लूकोज से हमारे पास जो एनर्जी मिल रही है बन रही है, या फिर अदर जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑल्सो, तो ये हमारे पास नहीं बनेंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, जिसके रहते जो हमारी बॉडी है वो एज अ सिंपल बॉडी नहीं, वो डेड बॉडी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर परफॉर्म ही नहीं कर रहे कोई सेल, कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा ऑर्गन, तो क्या करेंगे हम, तो यही मानेंगे ना कि बॉडी ये सिंपल डेड बॉडी है, कोई काम नहीं कर रही। तो ये आज का जो टॉपिक था ये था अबाउट द रेस्पिरेशन, कि कैसे होता है और कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स में या हमारे पास एनिमल्स में या प्लांट्स में हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इन डिटेल, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने उसकी अलग ही वीडियो बनाने का सोचा है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के, ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन रेस्पिरेशन, और हमें एनर्जी मिलती है और हम बहुत सारा काम करते हैं। और ऐसे कई काम आपने भी अभी करना है, कि यहाँ तक जितना मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से पढ़ लेना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बस मेरे को इस नंबर पे 9023241122 इस नंबर पे मेरे को मैसेज या फोन कर लेना, सो दैट आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे, राइट। टिल देन बी सेफ, बी एट होम, थैंक यू वेरी मच।